नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों हम लोग इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखना चालू किया था। पहला पार्ट पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो उसका पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों का नाम और उनका रासायनिक सूत्र लिखा था। ठीक है, मैंने पहला पार्ट आप लोगों को कर करके दिखा दिया था, जहाँ पे 38 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स का मैंने आपको रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला लिख करके बताया था। तो आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम लोग देखेंगे किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, उसका महत्व क्या होता है, ठीक है, और किस प्रकार से उसके बाद उसको हम बैलेंस करते हैं या संतुलित करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, जितने भी छात्र नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में, जो आपको 3 मंथ में कंप्लीट रिवीजन आपके सभी विषय में कराएंगे। आपको सबसे बेस्ट बैच पहल बैच 2.0 जो स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर में, जिसमें आपको डॉक्टर एस के सिंह, पंकज तलवार सिंह, आशीष सर, प्रदीप सर और सौरभ शर्मा पढ़ाएंगे, जो इंडिया के बेस्ट कोचिंग पढ़ा चुके हैं। इनको यहाँ पर आप देख सकते हो 23+ ईयर का एक्सपीरियंस है, साथ में इंडिया के टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। साथ में एक बैच आपके लिए और है, सुपर रैंकर बैच फॉर नीट 2021, जिसमें आपको रितु मैम पढ़ाएंगे जो अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर है बायोलॉजी की, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर का। साथ में उम्मीद बैच भी आपके लिए जो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर डॉक्टर आनंद मानी सर पढ़ाएंगे, जो बायोलॉजी के बेस्ट रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। साथ में दीपक सर, अमन सर, विक्रांत सर और महेंद्र। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस बैच का है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपीज फीस पे नहीं करना, बस वहाँ पर आपको कोड डालना है। कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है shubham@12, जैसे ही आप डालोगे सारे बैचेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे और आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको 10 नंबर का कम से कम क्वेश्चन एकदम से सिखा देगा कि किस प्रकार से आप लोग, अगर आपको रासायनिक समीकरण नहीं तैयार है, इसके बावजूद जो है आप किस प्रकार से बना के रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं और आपको नंबर आसानी के साथ प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे यहाँ पर लिख भी दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। देखिए सबसे पहली बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत क्या होती है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया सर्वप्रथम हम लोग कैसे लिखते थे, जैसे एक मैं आपको रिएक्शन लिख करके समझा रहा हूँ। जब आप लोगों ने बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, कक्षा 8 या 9 में रहे होंगे, तब आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को जो है शब्दों में लिखते थे। शब्दों में कैसे लिखते थे, जैसे ये मान लीजिए आपका मैग्नीशियम हो गया, क्या हो गया, मैग्नीशियम। ठीक, तो आप लोग पूरा पूरा मैग्नीशियम लिखते थे। अब मान लीजिए मैग्नीशियम की क्रिया आपको ऑक्सीजन से करानी है, किसके साथ करानी है, ऑक्सीजन के साथ करानी है, तो लिखते थे आप पूरा पूरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बाद एक एरो लगाते थे, एरो के आगे, जब आप जानते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से आप लोग रिएक्शन लिखते थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो अच्छा था, कम से कम आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता था, आपको प्रोडक्ट याद होता था, आप लिख देते थे। ठीक है, तो क्यों नहीं हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, क्यों इसको हम जो है रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं, क्यों जो केमिकल फार्मूले के रूप में लिखते हैं, ये भी बात प्रकट होती है। देखिए इसको लिखने का मतलब, देखिए आपने लिखा यहाँ से स्टार्ट किया और ये रिएक्शन जाकर के यहाँ पर एंड हो रही है, इसका मतलब काफी लंबा आपका जो है समय भी लग रहा है और स्थान भी घेर रहा है। इसको हम लोग फिर इसके बाद क्या किए, संकेतों के रूप में लिखना स्टार्ट किए, यानी कि हम लोग इसके फार्मूले के रूप में आए। तो हम लोग अगर इसका संकेत लिखते थे तो कैसे लिखते थे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया क्या, ऑक्सीजन, और इसको बना दिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या ये रिएक्शन सही है, भाई रिएक्शन तो सही लिखी गई लेकिन क्या बैलेंस है, नहीं भैया बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो बाद में हमने इसको क्या किया, संतुलित किया। तो एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन का O नहीं होकर के बल्कि O2 के रूप में पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, O2 के रूप में पाया जाता है। अब जो है जाकर के ये रिएक्शन बैलेंस हुआ। ठीक है, अब जाकर के रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो अब देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा, इसके बाद इसको भाई इसके बाद हम लोगों ने इसको कैसे लिखा, इस प्रकार से लिखा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को पहले हम शब्दों में लिखते थे, फिर इसके बाद उसके संकेतों में आए, फिर संकेतों से सूत्रों में आए, सूत्रों से आने के बाद जब हम लोग सूत्र में लिखने लगे तो फिर उसको हम लोगों ने बैलेंस करना स्टार्ट किया। ठीक है,
आप लोगों ने चीज पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो आप लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ा होगा कि ना तो किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को निर्मित किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। सेम वही चीज आपके रसायन विज्ञान के जो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर भी अप्लाई होती है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो आप जो है तो अभिक्रिया का जितना द्रव्यमान रहेगा, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपका अभिकारक का जितना द्रव्यमान रहेगा सेम द्रव्यमान आपका उत्पाद का भी बनेगा, ठीक है भाई। जितना द्रव्यमान आपका अभिकारक का होगा, मान लिया यहाँ पर 2 ग्राम जो है सब मिला करके है अभिकारक आपका, ठीक है। तो उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा वह भी 2 ग्राम ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 ग्राम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम फिजिक्स में पढ़ रखा है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग द्रव्यमान को ना तो निर्मित कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बस उसका रूप बदल जाता है, ठीक है। ये चीज आप सभी लोगों को पता है, तो वही सेम जो आपका रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करते हैं, अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 2 द्रव्यमान लिया था, 2 ग्राम लिया था, यहाँ पर आपका जो है 3 ग्राम बन गया। अब क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ स्टेप से गुजरते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम इसके तत्व जो भी आपके अभिकारक में तत्व यूज हो रहे हैं, जो भी आपके उत्पाद में तत्व बन रहे हैं, ठीक है, दोनों को एक साइड में लिख लेते हैं, ठीक। पूरी अभिक्रिया यानी कि पूरी अभिक्रिया के दौरान जितने तत्व बन रहे हैं उसको एक साइड में लिख लेते हैं। कौन, जो हम तत्वों को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं अभिकारक के तत्व जितने रहते हैं, जितने मोल रहते हैं, ठीक है, एक कॉलम में। अब इसके बाद अभिकारक के तत्वों की संख्या लिखते हैं, फिर इसके बाद उसके बाद वाले कॉलम में लिखते हैं उत्पाद के तत्वों का जितना भी मोल रहता है वो लिख लेते हैं, संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कंपेरिजन कराते हैं, ठीक है। कंपेरिजन कैसे कराते हैं कि देखते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसमें है, ठीक है, कोई एक परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा या तो अभिकारक में होगी या तो उत्पाद में होगी। जहां पे सबसे ज्यादा संख्या होगी, ठीक है, उसी के बराबर हम जो है उसके अपोजिट साइड में भी संख्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पहले एक एक जो है तत्व तो लेके करते हैं, इसके बाद दूसरा तत्व तो लेके करते हैं, फिर तीसरा, मतलब उस अभिक्रिया में जितने तत्व तो रहते हैं, इस प्रकार से हम लोग उसको बैलेंस कर लेते हैं। और बैलेंस करने के बाद जब हमको लगता है कि अब हमारा जो है जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बैलेंस हो गई है, इसके बाद हम लोग फिर से वही काम करते हैं, जितने भी तत्व होते हैं उस अभिक्रिया में उसको एक साइड में लिख लेते हैं, फिर इसके बाद अभिकारक के तत्व, इसके बाद उत्पाद के तत्व अलग अलग कॉलम में लिख लेते हैं, फिर उनके जो है चाहे अभिकारक के तत्वों की संख्या को गिन गिन करके एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है उत्पाद के तत्वों की संख्या को गिन करके एक साइड में लिख लेते हैं। अब जब हम लोग तुलना करा लेते हैं, क्या दोनों साइड के जो है तत्व बराबर है, यदि बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, और अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप जब भी आपको पढ़ाया था क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे ये सारे रिएक्शंस, तो वहां पे मैंने आपको मुख्य उत्पाद लिख करके बता दिया था। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं थी जो बैलेंस नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको मेन प्रोडक्ट लिख करके बता दिया था। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने लिख दिया था, मैंने आपको क्या अभिकारक बता दिया और आपको बता दिया कि उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है, चीजें वही रहेंगी, बस आपको बैलेंस करना होगा। कुछ रिएक्शंस को मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर रखा था, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं मित्रों किस प्रकार से ये किया जाएगा। देखिए एक रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं, और उस रिएक्शन का हम लोग क्या कराते हैं, रासायन जो है उस पहले उस रिएक्शन के तत्वों का नाम अलग अलग से लिखते हैं, और इसके बाद उसको जो हम लोग बैलेंस कराते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां पर हम लोग ले ले रहे हैं एथिल क्लोराइड, क्या ले ले रहे हैं, एथिल क्लोराइड, क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड का हम लोग जल व मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल व सॉरी सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हैं, सिल्वर ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो ये समझ लीजिए वैसे ही जैसे आपका वो है क्या होता है जब वाला क्वेश्चन होता है, उसमें आपसे सबस्ट्रेट दे दिया गया था, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, ठीक है।
तो कह रहा है कि जब आपका एथिल क्लोराइड जल और सिल्वर नम सिल्वर ऑक्साइड जो आपस में क्रिया करेंगे, नम का मतलब जो है जिसमें जल थोड़ा सा मिला हुआ हो, ठीक है, वेट हो, गीला हो, वो जो सिल्वर ऑक्साइड आपस में क्रिया करें, तो आप लोग पहले इसका फार्मूला लिख लीजिए। एथिल आयोडाइड, एथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? C2H5Cl, ये आपका क्या हो गया? एथिल क्लोराइड हो गया। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड कहा जा रहा है, इसका मतलब इसका होता है Ag2O, ठीक है। आपने ये जो है आपने लिख लिया इसका सबस्ट्रेट या जो है अभिकारकों की संख्या लिख ली, ठीक है, अभिकारक को आपने एक तरफ नोट डाउन कर लिया। अच्छा, अब देख, अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट जब बनेगा क्या, देख आप लोगों को पता है कि सिल्वर क्लोराइड नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सॉरी एथिल क्लोराइड नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब आपस में क्रिया करता है तो बनाता क्या है? एल्कोहल। क्या बनाता है? एल्कोहल आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये जो है एल्कोहल बना लिया। अच्छा, बन क्या और जाएगा आपका? सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि AgCl बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि ये चीज आपका बन रहा है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम लोग स्टेप फर्स्ट में चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया, स्टेप फर्स्ट क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में होता है कि जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जितने भी तत्व हैं, चाहे आपके अभिकारक में हो चाहे आपके उत्पाद साइड में हो, ठीक है, दोनों तरफ के तत्वों को एक कॉलम में आप लोग लिख लीजिए। तो क्रम से चलते हैं, यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम क्या है? कार्बन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद फिर यहाँ हाइड्रोजन है तो लिखा गया है, इसके बाद ऑक्सीजन है तो यहाँ लिख लिया, ठीक है। यहाँ आप सिल्वर आ रहा है, चलिए यहाँ पर सिल्वर लिख लिया, ठीक है। ये आपके जो हो गए तत्व, ये क्या हो गए? तत्व हो गए, ठीक है। कहाँ मतलब बेसिकली ये आपके रिएक्शन में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिख लीजिए अभिकारक की संख्या, अभिकारक की संख्या, अभिकारक की संख्या से तात्पर्य है कि ये तत्व जो है, जो भी आपने यहाँ पर तत्व लिखे हैं, इनकी संख्या कितनी है अभिकारक में और कितनी है उत्पाद में, ठीक है। इस तरीके से आपको डिवाइड करके लिखना है, ठीक है, इस तरीके से आपको डिवाइड करके लिखना है। ये उत्पाद की संख्या, उत्पाद की संख्या, ठीक है। अब उत्पाद की संख्या में क्या देखना है कि यही जो तत्व आपने लिखे हैं, ठीक है, ये तत्व जो उत्पाद में कितने हैं, कितने अभिकारक में है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? कार्बन, यहाँ पे आपने लिख लिया है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी लिखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है फिर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपने लिखा है, हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। फिर इसके बाद सिल्वर है और सिल्वर के बाद फिर क्या है आपका? क्लोरीन है, तो यहाँ पर सिल्वर भी लिखा गया और क्लोरीन भी लिखा गया, यानी कि सारे तत्व जो आपने विकारक में लिखे हैं वही सेम आपने उत्पाद में भी लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई स्टेप फर्स्ट में। अब देखिए काउंट करिए, काउंट करेंगे सर्वप्रथम अभिकार की संख्या में क्या देखेंगे, पहले कार्बन परमाणु जो है, कार्बन तत्व जो है उसकी संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन है, ठीक, चलिए और कोई कार्बन इधर नहीं है, इधर कोई और कार्बन नहीं है, यानी कि अभिकारक की संख्या कार्बन की कितनी हो गई? दो। अभिकारकों में कार्बन की संख्या कितनी हो गई? दो। अच्छा, उत्पाद में काउंट कर लेते लगे हाथ, तो यहाँ पर कितनी है? दो, ठीक है, यहाँ पर कितनी है? दो, ठीक। क्या इसके अलावा कोई और कार्बन है? भाई यहाँ सीएल लिखा गया, कार्बन तो है नहीं, ठीक है, इसका मतलब जो है सिर्फ दो है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ अभिकारक में आपके यहाँ पांच है और यहाँ पर दो है, तो पांच दो मिलकर के कितने हो गए? सात हो गए, पांच दो मिलकर के कितने हो गए? सात हो गए। अब यहाँ अगर हम लोग उत्पाद में देखते हैं तो पांच का हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, कितने हो गए भैया? छह हो गए, कितने हो गए? छह हो गए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं छह, यानी कि एक की कमी है, ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन आपका इम्बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितनी है? एक, यहाँ पर कितनी है क्लोरीन? एक, और इधर देख लीजिए तो इधर भी एक ही है, ठीक है, यहाँ भी एक ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना? एक, ये दो, दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? यहाँ पर सिर्फ सिर्फ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर दो ऑक्सीजन था, यहाँ पर दो ऑक्सीजन और यहाँ पर मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन है ना, तो आप लोग इसको एक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका बचता क्या है? सिल्वर, सिल्वर यहाँ पर कितने हैं? दो हैं, यहाँ पर सिल्वर कितने हैं? यहाँ पर सिल्वर कितने हैं? यहाँ पर सिल्वर सिर्फ सिर्फ कितना है? एक है, यानी कि जो है यहाँ पर
एक। अब देखिए क्या क्या बैलेंस है क्या क्या इम्बैलेंस है, आप टिक कर लीजिए। यहाँ देखिए कार्बन बैलेंस था, ठीक है, हाइड्रोजन इम्बैलेंस था, ठीक है, क्लोरीन आपका बैलेंस था, फिर इसके बाद ऑक्सीजन आपका इम्बैलेंस था, और आपका सिल्वर जो है इम्बैलेंस है। यहाँ पर कितना है, दो है, देखिए यहाँ पर लिखना भूल गया था, ठीक है, यहाँ पर दो है, अभिकारक में दो है, ये दो, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, इसके बाद आपका ऑक्सीजन और सिल्वर, ये तीनों इम्बैलेंस है, बाकी जो है दो बैलेंस है। तो हमको इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस करना है कि दोनों तरफ के अभिकारक हो, चाहे चाहे उत्पाद हो, दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान आए, तभी आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग करके देखते हैं भैया, ठीक है, आइए हम लोग करके देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूँ, कई बार मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसी वजह से दो वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने रिएक्शन को लिखा था C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस आपने लिखा था जल H2O प्लस आपने लिखा था सिल्वर ऑक्साइड Ag2O की क्रिया कराई थी, तो बन रहा था आपका एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH प्लस आपका बन रहा था सिल्वर क्लोराइड AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है, और अवक्षेप जब बनता है इसको हम लोग एरो से नीचे की तरफ इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को देखना है, तो सर्वप्रथम आप लोग क्या लीजिए, इन्हीं में से कोई एक ले लीजिए जो इम्बैलेंस है, ठीक है, उसको बैलेंस करने का प्रयास करिए, और जिसकी संख्या ज्यादा रहती है उसके अपोजिट साइड वाले को बैलेंस किया जाता है। तो हम लोग क्या ले लें, पहले क्या ले लें, पहले हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, क्या ले लेते हैं ऑक्सीजन, कोई भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर के चल रहे हैं, ना ऊपर वाले को लिया ना बीच वाले को लिया, ठीक। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कितना है, इस साइड में आप देख रहे हैं कि एक एक दो ऑक्सीजन है, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है दो, और इधर कितना है एक ऑक्सीजन है, यानी कि अगर हम लोग C2H5O में C2H5OH में दो से गुणा कर दें तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आइए करके देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लोग टू सी टू एच फाइव ओ एच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टू सी टू एच फाइव ओ एच कर लेते हैं। अगर टू सी टू एच फाइव ओ एच कर लिया तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखिए आपका जो है यहाँ से कार्बन इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि दो दूना चार, ठीक है, चार कार्बन इधर हो गया और यहाँ पर सिर्फ दो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर दस हाइड्रोजन हो गया, सॉरी दस दो बारह, बारह हाइड्रोजन हो गया इधर, और इधर आपका कितना है, सिर्फ इधर पांच है, पांच दो सात है। तो इस वजह से हम लोग, क्योंकि यहाँ पर चार कार्बन है और यहाँ पर दो कार्बन है, इसलिए इधर इस साइड में भी जो हम लोग गुणा करेंगे अभी किसी न किसी एक संख्या से, जिससे जो हमारा दोनों साइड बैलेंस हो जाए। अच्छा, उसके पहले हम लोग क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन आपका भैया जो है, अच्छा एक है, ठीक है, क्लोरीन तो आपका बैलेंस है, सिल्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिल्वर इम्बैलेंस है ना, यहाँ पे सिल्वर इम्बैलेंस है, सिल्वर आपका अभिकारक में दो है, उत्पाद में एक है, उत्पाद में आपको एक दिख रहा है, अभिकारक में दो दिख रहा है, यानी कि सिल्वर को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्पाद साइड में जो है यहाँ दो है यहाँ एक है, तो इसका मतलब एक में दो से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ए जी सी एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू ए जी सी एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू ए जी सी एल। अब आप देखें Ag तो सिल्वर तो बराबर हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन दो हो गया इस साइड में, यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ एक है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना बच रहा है, एक, यानी कि अब कार्बन भी चार हो गया, क्लोरीन भी ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब इधर भी आप दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए टू सी टू एच फाइव सी एल प्लस एच टू ओ प्लस ए जी टू ओ प्लस ए जी टू ओ, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आपने दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो दो दूना चार, ठीक है, चार कार्बन हो गए, चार कार्बन है, दो पंचे दस और ये दो बारह हाइड्रोजन है, ठीक है, दो पंचे दस और ये दो बारह हाइड्रोजन हो गए आपके, ठीक है, इसी तरीके से दो क्लोरीन यहाँ पे, दो क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ से दो, ये एक ऑक्सीजन है ना, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे दो ऑक्सीजन हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ आप जो है सिल्वर देख लीजिए, तो दो सिल्वर यहाँ पे और दो सिल्वर यहाँ पे, इस तरीके से आप लोग जो है इसको दो या तीन स्टेप में इसको बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि पहले स्टेप में हम लोगों ने ये रिएक्शन लिखी, ये चीज लिखा था,
स्टेप टू में आप लोगों ने क्या इसको बैलेंस किया, ठीक है। स्टेप थ्री में आप लोगों ने क्या किया, स्टेप थ्री में आप लोगों ने क्या किया, इसको बैलेंस किया। और स्टेप फोर में आप लोगों ने क्या किया, स्टेप फोर में आप लोगों ने इसको बैलेंस किया। तो चार स्टेप में ये जो है प्रक्रिया कंप्लीट हुई। अब पांचवे स्टेप में क्या करी, अब बचा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से जो है इनके जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का नाम लिखिए और इसके बाद उनके परमाणुओं की संख्या लिखिए, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से ये चीज हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, इसको मैं जो है मिटाऊंगा नहीं, आप लोग लेकिन फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसी में काम चला ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कंजूसी आप लोग मत करिएगा, ठीक है भैया। ये जो है ये आपके तत्व हो गए, ये जो है आपके तत्व हो गए, ये अभिकारक परमाणुओं की संख्या, अभिकारक परमाणु संख्या मतलब अभिकारक जितने तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या, ठीक है। और ये जो है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद परमाणु संख्या, ठीक है, उत्पाद परमाणु संख्या, ठीक। अब देखिए यहां पर कार्बन, कार्बन कितना, दो दुना चार, और क्या है यही इस साइड में कहीं कार्बन नहीं है ना, तो तीर के इस साइड में आपने लिखा कि चार कार्बन परमाणु है अभिकारक में। इधर देख लीजिए तो दो दुना चार, बाकी कहीं और कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। अब दो पंच दस और ये दो बारह, ठीक है। इस साइड में टोटल मिलाकर कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, ठीक है, 12 हाइड्रोजन। इस साइड में आप देख लीजिए तो दो पंचे 10 और ये दो कम दो, ठीक है। तो 10 और दो 12, यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी कितनी हो गई, 12। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए क्लोरीन की, तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पर दो एकम दो, ठीक है, तो ये आपका दो हो गया। और इधर देखेंगे तो आप दो एकम दो, ठीक है, तो यहाँ भी दो हो गया। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो एक एक मिलकर के कितना हो गया, दो। और यही कुछ हालात इधर भी है, तो दो एकम दो, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी दो दो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिल्वर है, तो सिल्वर की संख्या अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो है और दो एकम दो, तो दो यहाँ पर दो यहाँ पर, इसका मतलब जो है सिल्वर परमाणुओं की संख्या भी बराबर है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा रासायनिक समीकरण कैसा हो गया, रासायनिक समीकरण हमारा कैसा हो गया भैया, संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण कैसा है, समीकरण संतुलित है, ठीक है, क्या है, संतुलित है। और अगर आपने जो है इधर कर लिया तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे, पूरे मार्क मिलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, ये पूरा प्रॉपर तरीका है, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिया है। अगर मान लो कि ज्यादा और तत्व तो रहते हैं, जैसे मैंने चार स्टेप में किया था, पांच स्टेप हो जाएगा, छह स्टेप हो जाएगा, तो सातवां स्टेप ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ये स्टेप नंबर पांच है, ठीक है, ये स्टेप नंबर पांच है। इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत अगर इसमें आ रही है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइए, और व्हाट्सएप पे भैया मैसेज इतना ही कीजिए कि जो आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट मत करिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो बस अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और वो क्वेश्चन जो आपका फंस रहा है बस वही आप व्हाट्सएप करिए, बाकी की फालतू चीजें आप लोग मत करिए, अदरवाइज मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। इसी वजह से मैं आप लोगों को नंबर भी नहीं दे रहा था, लेकिन हालांकि कुछ बच्चों ने मांगा तो मुझे लगा कि नहीं, अब आपका परीक्षा आ गया है, आप लोग को तैयारी करनी है, तो मैंने दे दिया, ठीक है। तो उसका दुरुपयोग मत करिए, इसको सदुपयोग करिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। इससे आपके देखिए तीन चार चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगे, जैसे क्या होता है जब वाले क्वेश्चन, क्या होता है जब वाले क्वेश्चन जो है, और कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी नेमिंग रिएक्शन आती है, नेमिंग रिएक्शन आती है आपकी,
और कभी कभी आपसे जो है फिल इन द ब्लैंक्स करके एक जो रासायनिक समीकरण लिख दिया जाता है, और फिल इन द ब्लैंक्स करके लिख दिया जाता है, कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चार टाइप्स इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इन चारों टाइप में आपको रिएक्शन लिखना और रिएक्शन को बैलेंस करना, ये बहुत ही मस्ट होता है। एक चीज और मैं जो है स्किप कर रहा हूँ, उसको इस वजह से नहीं बताया, स्किप क्या करो बल्कि मैंने नहीं बताया है, क्योंकि वो चीज आपके कक्षा 8, 9 या 10 में पता ही यही है कि जैसे जब हम लोग तत्वों का संकेत लिखते हैं या जो है उसका नाम लिखते हैं शब्द में, तो उसका हम लोग वहां पे अवस्था भी लिख देते थे, ठीक है। अवस्था का मतलब ये हो गया कि वह सॉलिड स्टेट में है तो एस लिख देते थे, लिक्विड स्टेट में है तो एल लिख देते थे, गैसीय स्टेट में होता था तो जी लिख देते थे, ठीक है। तो ये चाहे आपका उत्पाद हो चाहे अधिकारक हो, उसकी हम लोग अवस्था लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे मैं इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये अंडरस्टूड है, आप लोगों को पता है कि वह किस फॉर्म में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि लिखने की आवश्यकता नहीं, इस वजह से मैंने नहीं बताया। बाकी जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो ये कम से कम 10 मार्क आपको दिलाएगा। अगर आप लोग जो है अभी तक पढ़े नहीं हैं और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इतने स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं और 2 से 3 बार आप रिवीजन करते हैं, तो 100% इतने जो है आपको बढ़िया से नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के अपार प्यार और स्नेह की वजह से शुभम क्लासेस ने 8 लाख की संख्या को अचीव किया है, ठीक है। ये जो पूरा परिवार है शुभम क्लासेस, ये पूरा 8 लाख की संख्या को अचीव किया है, जैसा कि शुभम सर ने केक भी कट किया, वहाँ पे बहुत सारे पूरे टीम मेंबर्स उपलब्ध थे। तो आप लोग के लिए खुशी की दिन, खुशी का दिन है, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार उसने इसी तरीके से मिलता रहेगा, और हम लोगों को असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप लोग बोर्ड परीक्षा में मैक्सिमम बच्चे 90+ स्कोर करके आएंगे, उस दिन असली खुशी होगी, उस दिन आप लोगों के साथ केक मिलकर काटा और खाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करेगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जहां से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो पूरी तरीके से देख सकते हैं, जैसा जो चाहें जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से देख सकते हैं। अन्य भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जिस चैप्टर का जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से उसको पढ़िए। और मुझे तो लगता है कि आपके पास 13 चैप्टर पढ़ने के लिए है यूपी बोर्ड में, ठीक है, इस साल में 13 चैप्टर पढ़ने के लिए, और अगर आप 2 दिन ले लीजिए, ठीक है, 2 दिन ले लीजिए, 2 दिन में आप एक चैप्टर को समाप्त करिए तो 13 गुना 26, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर को पढ़ा दिया है, ठीक है, तो 13 गुना 26, 26 दिनों में आप जो है पूरा चैप्टर पढ़ डालेंगे। बाकी का 4 दिन आपका बचता है, उन 4 दिनों में आप रिवीजन कर लीजिए और जो है प्रीवियस ईयर के पेपर सेट सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग अभी 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, 1 महीने में अगर 1 बार से जोड़ा जाए तो 3 महीने में 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, और आपका एग्जाम कहीं जा करके होगा अप्रैल में, ठीक है, होगा जरूर, ये बात ध्यान रखिएगा, होगा जरूर, कब होगा, अप्रैल में होगा। तो आप लोग अभी 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और जो चीज जितनी ज्यादा बार रिवीजन की जाए उतने अच्छे से तैयार होती है, उतना ही अच्छा उसमें स्कोर होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में 2019 के पेपर को सॉल्व करते हुए।